आर्ट एंड कल्चर ऑफ मुगल एम्पायर, है ना। आज हम पार्टिकुलरली मुगल एम्पायर के आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझेंगे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्लूटस आईएएस। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्ट एंड कल्चर ऑफ मुगल एम्पायर, है ना। आज हम पार्टिकुलरली मुगल एम्पायर के आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझेंगे। और एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, मॉडल आंसर उसका देखेंगे। एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर ऑफ मुगल एम्पायर ओनली। ओके, सो लेट अस सी दैट व्हाट इज द क्वेश्चन एंड हाउ कैन बी गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज, यू कैन सी दिस क्वेश्चन, द मुगल्स आर नॉट ओनली नोन फॉर देयर वास्ट एम्पायर across the Indian subcontinent, but also for its contribution to Indian art and culture. एक question मान लीजिए है, suppose you are asked to write in the 250 word, it is for 15 marks. तो how to approach this question? Question पूछ रहा है, दो part में पूछ रहा है। The Mughals are not only known for their vast empire across the Indian subcontinent, but also for its contribution to the Indian art and culture. Comment with the suitable examples. Okay, so how to approach this question? इस question में आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले हम question ही ऐसा answer introduction लिखेंगे। In this introduction, how to write this question, है ना, कैसे लिखें? इस question में, the first of all, we will try to focus our introduction. Okay, so first point will be introduction. We will write the introduction in about, let's say, 30 to 40 words. 30 से 40 word में हम introduction लिखेंगे। Introduction में हम कौन कौन से point पे ध्यान देंगे? The first point we will see that extent of Mughal Empire. Extent of Empire. When it was founded, कब found हुआ, कहाँ तक था, एंड वाट इज अ टाइम पीरियड। वी विल फोकस ऑन दिस टॉपिक इन द इंट्रोडक्शन, सेकेंड थर्ड, एंड थर्ड पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन विल बी ऑन कंट्रीब्यूशन टू द आर्ट एंड कल्चर, कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड कल्चर। ओके, दिस विल बी द टू आस्पेक्ट, थ्री आस्पेक्ट दैट वी विल राइट इन द इंट्रोडक्टरी लाइन ऑफ दिस टॉपिक। इस जो है मेन पॉइंट हम इंट्रोडक्टरी लाइन में लिखेंगे। देन वी विल राइट अबाउट द सेकेंड पैराग्राफ, द सेकेंड पैराग्राफ वी विल राइट ऑन द मुगल रूलर्स एंड देयर एम्पायर, मतलब मुगल रूलर्स और उनके एम्पायर के बारे में लिखेंगे इसमें। इन दिस क्वेश्चन वी विल पार्टिकुलरली स्टूडेंट We will focus on that who are the most important Mughal ruler, उनका empire का extent क्या था। अगर आप map में देखें, this was the empire extent, if especially if I talk about this area was ruled by Babur, this further area was added by Akbar to the Mughal empire, and then this area was added by Aurangzeb, है ना। Aurangzeb ने इन सब area पे रूल किया, ठीक है। तो दिस इज द मेन बाउंड्री विगन से। तो हेयर इन दिस क्वेश्चन वी विल पार्टिकुलरली डिस्कस इन दैट हु आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। सो इन द विद इन 30 वर्ड, मतलब 30 से 35 वर्ड में हम दूसरी जो पैराग्राफ है वो लिखेंगे। विद इन दैट 35 और 40 वर्ड वी विल ट्राई टू राइट अबाउट व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ एम्पायर अंडर बाबर। सेकेंड पर्सन विल बी अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। ओके, वी विल पार्टिकुलरली राइट दिस थिंग्स, ये हमारा सेकेंड पैराग्राफ होगा। तो रफली हमारा ये वर्ड हो गया है। देन वी विल फोकस द थर्ड पैराग्राफ ऑन द आर्ट एंड कल्चर। हमने इंट्रोडक्शन में ही लिख दिया था दैट दिस इज आर्ट एंड कल्चर ऑफ द मुगल एम्पायर। आर्ट एंड कल्चर में क्या आता है? आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूजिक, पेंटिंग, है ना। दीज आर द फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर। रिलीजन वगैरह पार्ट हमारा आर्ट एंड कल्चर से होगा। सो नाउ वी विल पार्टिकुलरली फोकस ऑन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द आर्ट एंड कल्चर पे ध्यान देंगे। तो हेयर वी विल थर्ड पैराग्राफ वी विल राइट ऑन द इन द मुगल आर्किटेक्चर। क्या हमारा टॉपिक होगा? मुगल आर्किटेक्चर। इसमें हम लिखेंगे मुगल आर्किटेक्चर में वी विल राइट अबाउट
व्हाट इज द आर्किटेक्चर्स बिल्डिंग्स मेड बाय अकबर, जैसे फॉर एग्जांपल अकबर ने क्या बनवाया था, उसके बाद शाहजहां, देन जहांगीर, शाहजहां, देन औरंगजेब, इन सब ने क्या क्या बनाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स वी विल राइट इन दिस पैराग्राफ पॉइंट नंबर थ्री. पॉइंट नंबर फोर, वी विल राइट अबाउट लिटरेचर. क्या लिखेंगे, लिटरेचर के बारे में लिखेंगे. देन पॉइंट नंबर फाइव, वी कैन राइट अबाउट म्यूजिक एंड पेंटिंग. म्यूजिक एंड पेंटिंग्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स वी विल राइट इन दिस क्वेश्चन. एंड देन फाइनली पॉइंट नंबर सिक्स, वी विल राइट अवर कंक्लूजन दैट हाउ मुगल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्सेप्ट. और इस सब पॉइंट्स को लिख के इस क्वेश्चन का आंसर हम बहुत ईजिली लिख सकते हैं. ठीक है, सो लेट अस ब्रीफली डिस्कस दैट वाट आर द मॉन्यूमेंट्स आर मेड बाय द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मुगल एम्पायर, और किस तरह से इसका हम आंसर लिख सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आता है अकबर का, हम कुछ मॉन्यूमेंट्स देख लेते हैं. दीज आर द मेन आर्किटेक्चर ऑफ द अकबर्स लाइफ. दिस इज अ इमेज ऑफ हुमायूं टॉम. अकबर ने क्या बनाया था, हुमायूं टॉम. देन दिस इज जहांगीर महल सिचुएटेड इन द ओरछा इन मध्य प्रदेश. दिस इज द गेट ऑफ थेरात मास्क्यू इन दिल्ली. दिस इज आदम खान टॉम इन मेहरौली. एंड दिस इज अ हुमायूं टॉम एग्जाम्पल. दिस इज द थिंग्स मेड बाई अकबर पार्टिकुलरली. नेक्स्ट थिंग्स जो अकबर बनाया था, फतेहपुर सिकरी. फतेहपुर सिकरी में आपको पंचमहल मिलता है. उसके बाद दीज आर द पिक्चर ऑफ फतेहपुर सिकरी, सलीम चिश्ती दरगाह, बुलंद दरवाजा, हीरान मीनार आर द मेजर एग्जाम्पल्स ऑफ मेड बाई अकबर इन द फतेहपुर सिकरी. देन ही हैड मेड आगरा फोर्ट इन द आगरा सिटी. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ आगरा फोर्ट. द नेक्स्ट पर्सन, दीज आर द ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ द फतेहपुर सिकरी. देन यू कैन हैव अ लुक, इतनी अच्छी बिल्डिंग्स है फतेहपुर सिकरी का, जो आप देख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जहांगीर का आर्किटेक्चर है. जहांगीर ने क्या बनवाया था, ये है आपका सिकंदरा में अकबर का टॉम. इट इज मेड बाय जहांगीर ओनली, अकबर टॉम्स. देन वी हैव दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल प्लेस दैट इज अ द बाग, है ना, जहांगीर का जो स्पेशली जिसे हम शालीमार बाग बोलते हैं. तो दिस इज द शालीमार बाग विच इज सिचुएटेड इन द जम्मू एंड कश्मीर मेड बाई जहांगीर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मेड बाई देम. ये हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं दैट दिस इज द जहांगीर टॉम, अकबर का टॉम हो गया, ये एग्जाम्पल्स है. देन वी हैव शाहजहां. शाहजहां ने क्या बनवाया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, है ना, आगरा फोर्ट. देन वी हैव ताजमहल, है ना. देन वी हैव जहांगीर टॉम इन लाहौर. ओके, एंड देन ताजमहल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मेड बाई दिस पर्सन शाहजहां. दीज आर द ब्यूटीफुल पिक्स ऑफ ताजमहल. ताजमहल का ये ब्यूटीफुल पिक्स है. ए व्यू जो है आपके, दिस इज सिचुएटेड स्पेशली ऑन द, दिस व्यू इज फ्रॉम द आगरा फोर्ट. तो आगरा फोर्ट से आप ताजमहल सीधे देख सकते हैं. दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर्स. देन वी हैव रेड फोर्ट, एग्जाम्पल रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद आर द अदर बिल्डिंग्स मेड बाई दिस वन. फिर कोहिनूर के बारे में बात कर सकते हैं. फिर मुगल पेंटिंग पे आएंगे. मुगल पेंटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कौन पर्सन है, दे आर टू पर्सन. दिस पर्सन इज वेरी फेमस, अबू समद एंड मीर सैयद अली. अबू समद एंड मीर सैयद अली आर द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन द मुगल पेंटिंग. दे आर अंडर द टाइम ऑफ हुमायूं. अकबर के टाइम पे वी हैव दसबंद प्लस बसावन आर द वन. अकबर के पास कहा जाता है तकरीबन उनके पास 24,000 पेंटिंग की मनुस्क्रिप्ट थी, है ना. उसके बाद जहांगीर के पास उस्ताद मंसूर थे. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन द पेंटिंग. यू कैन सी दिस पेंटिंग. तो इसके बारे में लिखेंगे. देन म्यूजिक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन कौन से हैं. वी हैव तानसेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जिन्होंने मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोली लिखा. बाबा रामदास, बाबा हरिदास, है ना. देन वी हैव सूरदास, रहीम. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन हु आर वेरी फेमस स्पेशली इन केस ऑफ द मुगल एम्पायर, है ना. फिर लिटरेचर में आपके बाद पर्सियन लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर आते हैं. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन बाबर है जिन्होंने खुद ही बाबरनामा लिखा. अबुल फजल आइन अकबरी एंड अकबरनामा, बदौनी फतवाई जहांगीरी, जहांगीर तुजुके जहांगीरी, मोहम्मद खान इकबाल नामा जहांगीरी, बादशाह नामा इज रिटन बाई शाहजहां. इट्स शाहजहां बायोग्राफी, है ना. इनायत खान ने शाहजहां नामा लिखा. सो मेनी राइटिंग्स हैव बीन डन. अपार्ट फ्रॉम दैट हिंदी, बंगाली, पंजाबी सब लिटरेचर में इन समय राइटिंग्स हैव बीन डन बाय दिस टाइम. सो वी नो दैट दीज ऑल थिंग्स हैपन. सो इस तरह से वी विल राइट अबाउट ऑल ऑफ दिस फैक्ट्स एंड देन वी विल बी एबल टू राइट अ वेरी गुड आंसर ऑन दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक. इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर आप किसी भी टॉपिक पे मुझे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप YouTube में कमेंट कर सकते हैं. आई विल बी हैप्पली एबल टू रिप्लाई टू योर कमेंट ऑन द यूट्यूब. एंड देन आई विल मेक अनदर वीडियो. विल सी यू इन द अदर वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.